Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen, the moment I think you all have been waiting for, the man of the hour, Jin Pesare Pakistan Ki ladies and gentlemen, it is my honor to invite on stage our chief guest of the day, Honorable Finance Minister, Mr. Miftah Ismail. अहमद हुन सल्ल रसूल करीम अम्मा फ़ाउज़ब्लिजीम बसमीम जनाब अशफाक तोल्हा साहब सदर आई पै आई कैप जनाबीशान साहब चेयरमैन एफ बी आर जनाब आसिम अहमद साहब अब्दुल्ल यूसुफ़ साहब मेरे भाइयों दोस्तों अल्लमकुम कराची में लाहौर में बैठे हुए भाइयों बहनों और इस्लामाबाद में बैठे हुए भाइयों बहनों और मीडिया के दोस्तों अल्लाम कुछ थोड़ा नज़ला भी हो गया और कुछ गला भी बैठ गया बातें करने से तो मैं कोशिश करूँगा मुख्तर बात करने की वैसे सियासतदान की मुख्तर बात भी जो होती है वो आधा एक घंटा हो ही जाती है तो आ, मैं बजट पे आप लोगों के सामने बात करना सूरज को चराग दिखाने के मुतरिफ़ होगा तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं अपनी एक्सपर्टीज़ पर बात करूँगा नोइंग आप लोग अकाउंटेंट्स हैं माशा और तजुर्बेकार हैं जयद अकाउंटेंट्स हैं तो जिस तरह अशफाक भाई भी बोल रहे थे कि इसको स्केजल इस में डाल दो उसको इस स्कीजल में डाल दो वो मुझे नहीं समझ में आता लेकिन थोड़ी सी एक, एक मीशत को मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं उसके पाकिस्तान की माशी हालात पे मैं आपसे इस वक्त बात करूंगा और हमने बजट में क्या कोशिश करी है वो भी बात करूंगा करूँगा ये जो आई कैप की आपकी बात थी मैं उसको जो जो आपको हर साल सर्टिफिकेट मिल रही है मुश्किल हो रही है तो उस पर हम मैं चेयरमैन साहब से बातचीत करूँगा आपने जो दो एग्ज़ाम्पल दिए मैं सच बता रहा हूँ अशफाक भाई मुझे बोला बोला यार तुमने सैलानी वाले को तो दे दिया बशीर फारूकी को यार वो एक आ, एक आदमी बशीर फारूकी एक लाख लोगों को रोज़ खाना खिलाता है मतलब आई कैप को उससे तो कंपेयर ना करो मतलब आई मैं तो फिर समझना कोई ठीक है ठीक है बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जो जिसको देना भूल गया था जिस मैं अभी भी बता दूँ आपको कि जिसको देना भूल गया था किसी वजह से वह अख़ूत थी वोत को भी हम दे देंगे लेकिन इसके बाद आपकी बारी होगी अख़ूत की भी आपसे पहले बारी है ये अभी आप समझते हैं ठीक है थीके? और मेरे ख्याल से अखूत और सैलानी से तो आप लोगों को भी पता है कि आप लोग कम्पीट नहीं करते हैं बल्कि मुझे यकीन है कि बहुत से आप में से हमारे भाई और बहन हैं जो अख़ूत को भी डोनेट करते होंगे और सैलानी को भी करते होंगे और अगर नहीं करते तो करना चाहिए एनी तो गुजारिश ये है कि जब हुकूमत हमें मिली तो कुछ माशी मसाइल थे आ, मैं अगर मैं कोशिश करता हूँ गैर सियासी बात करने की लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उन्नीस सौ नब्बे के दिसंबर में पी एच डी अपनी ख़त्म करी थी और फिर पाकिस्तान आया फिर कुछ दिनों बाद वापस चला गया आई एम एफ में नौकरी करी फिर वापस आया मैंने कभी भी पाकिस्तान के इस हालात नहीं देखे मैं चार पाँच साल पहले भी वजी रह चुका था और उस दिन मुझे ऐसा डे जाबू की फीलिंग आई कि क्या इलेक्ट्रिक वाले आए हुए थे मैं उनसे बात कर रहा था ये तुमको इतने पैसे देने हमको इतने पैसे देने एन टी डी सी ने इतने पैसे देने सिंध हुकूमत ने इतने पैसे देने और मैंने कहा ये तो वही मसले हैं जो हम चार साल पहले छोड़ के गए थे और मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ जो पी टी आई वालों की उससे पहले भी ये तो बीस साल से पुराने मसले हैं हर मुल्क के पास मसले होते हैं लेकिन उन कामयाब मुल्कों के पास उसके हल भी होते हैं पाकिस्तान के पास सिर्फ मसले हैं उसका हल नहीं है ऐसा नहीं है कि हल मुश्किल है तलाश करना हल तो बड़े आसान है हम सबको शायद हल पता हो, लेकिन हमको हल इम्प्लीमेंट करने की विल नहीं है या फिर हमको हमने ऐसे किस किस्म के रूल्स बना रखे हैं कि जिसकी वजह से हल हम इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ बिजली के महकमे से फिर मैं बजट पर आऊँगा जब हम 2013 में हमारी हुकूमत आई तो 500 और 3 अरब रुपए की या 505 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था 503 अरब रुपए एक पहाड़ लगता था उस ज़माने में तो चार सौ अस्सी रुपये हुकूमत ने भरे और तेईस अरब रुपये नहीं भरे क्योंकि कोई डिस्प्यूट था जापान पावर वगैरह के अंदर और चार सौ अस्सी नहीं भरने पड़े थे चार सौ अस्सी को सेटल किया था मतलब एक सौ पचहत्तर बड़े थे फिर कुछ पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में कर्ज ले लिया वगैरह वगैरह बहर ख़त्म कर दिया सर्कुलर डेट लेकिन पी एच पी एल का डेट बढ़ गया जिसको अब सर्कुलर डेट में भी गिनते हैं पहले नहीं गिनते थे सो अब इस बार आए तो पच्चीस सौ अरब रुपये का सर्कुलर डेट है तो आप देखेंगे मसला तो वही है सर्कुलर डेट का लेकिन हम नंबर मतलब पाँच गुना हो गए हैं और इस साल के अंदर पाँच सौ अरब रुपया सर्कुलर डेट ऐड हुआ है मगर दैट्स नॉट द इशू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने यानी कि आप लोगों ने ग्यारह सौ अरब रुपए से ज़्यादा पावर सेक्टर को सब्सिडी दी है ग्यारह सौ अरब रुपए से ज़्यादा पावर सेक्टर को सब्सिडी दी है यानी कि ये तो हमने कैश पैसे पावर सेक्टर को दिए इसके अलावा पाँच सौ अरब रुपए का इन लोगों ने नुकसान और किया है जिसको हम सर्कुलर डेट में डालते हैं और सर्कुलर डेट जो है ना ये डेट नहीं होती है ये पावर सेक्टर डेफिसिट है ये नुकसान है देर इज़ नथिंग सर्कुलर अबाउट दिस एंड देर इज़ नथिंग डेट इट इज़ डेट बट दिस इज अ लॉस डेट्स वाई इट इज़ अ डेट सो इट इज़ सो सोलह सौ अरब रुपए का हुकूमत पाकिस्तान ने नुकसान किया है और जिस तरह आप लोग अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग करेंगे तो उस सोलह छः पाँच सौ अरब रुपए को भी अपनी बैलेंस शीट में लेना चाहिए हुकूमत लेती नहीं है सर्कुलर डेट क्या है वो भी हमारा ही नुकसान है ना तो 1600 सो अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम ने दिए शायद 1600 सो अरब से ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों ने डायरेक्टली दिए होंगे नॉट थ्रू हुकूमत बट डायरेक्टली ऑलसो सो बत्तीस सौ अरब रुपये दिए गए फॉर वॉट फॉर लेस देन हंड्रेड बिलियन यूनिट्स ऑफ़ पावर डिलीवर्ड एंड बिल्ड मतलब आपके हमारे घरों में जो पावर आया है हमारे कारखानों में जो पावर आया है अशफाक भाई के दफ्तर में जो पावर आया है वो सब मिलाकर 100 बिलियन यूनिट्स हैं और 100 100 बिलियन यूनिट में हमने बत्तीस सौ अरब रुपये खर्च कर दिए

फिर बत्तीस सौ अरब रुपये क्यों खर्च हुए अगर आपका इतना एफिशिएंट पावर प्लांट है और ट्रांसमिशन में हमारे 20 परसेंट लॉसेज़ होते हैं बिल कलेक्शन में 10 परसेंट मसला है और भी छोटे छोटे मसाइल हैं अगर आप जैसे चार अकाउंटेंट्स बैठे हो एक कमरे के अंदर तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि एक दिन के अंदर आप लोग सबके सलूशन बता देंगे आज़ाद कश्मीर का एक मसला है नैट हाई प्रॉफिट का कुछ टेस्ट ट्राइबल एरियाज की डिस्को का मसला है कुछ यू नो एफ बी आर के कुछ सेल टैक्स का मसला है वगैरह वगैरह तीन चार मसले बट एक तीनों मतलब सीरियसली दो दिन लगेंगे चार अकाउंटेंट्स को अगर बिठा दें और तीन अकाउंटेंट बैठे तो एक दिन में कर लें अगर चार बैठेंगे तो थोड़ा देर लग जाएगी ये अकाउंटेंटों को लतीफे भी समझ में नहीं आते अल्लाह की कसम ठीक है सो द पॉइंट इज दैट दीज आर नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लम बट वी डोंट सॉल्व अब मैं आपको एक चीज बताऊं इस वक्त वेरिएबल कॉस्ट फॉरगेट द फिक्स्ड कॉस्ट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग

उस कॉल की कॉस्ट है तीन सौ से चार सौ डॉलर की तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है फ्यूल कॉस्ट आ रही है तीस रुपए पर किलो वाट आवर जो हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं आपको वो पाँच से छः रुपये पर किलो वाट आवर है क्योंकि नेपरा पाँच महीने पीछे चलता है नेपरा पाँच महीने पीछे चलता है तो पाँच महीने पुरानी कॉस्ट ले रहा है वो अब इसमें तो किसी का कसूर नहीं नेपरा का भी कसूर नहीं वो अपने रूल्स फॉलो करता है मतलब क्या करें उस उसमें अब आप ये देखें कि अब जो आप लोग हंस रहे हैं लेकिन अब आप आप इस वक्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको इतना बिल भी नहीं आएगा रिलेटिवली स्पीकिंग इतना बिल भी नहीं आएगा तीन महीने गुजर जाएंगे जब इनको ये याद आएगा कि यार ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाने हैं ये कौन सा महीना है जून के महीने के तो आपको सेप्टेम्बर में ऐसा बिल आएगा ओ हो 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 अल्लाह माफ़ करे जो जून के चार्जेस होंगे बट वाई आर वी डूइंग दिस यू नो दिस हैपन्स टू अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज़ गुजरावाला के अंदर मैं जब लाहौर में काम करता था तो गुजरावाला बोले स्टील मिल वाले बड़े परेशान होते थे कि साहब हमें तो लोहा बना के बेच दिया अब आप हमको ज़्यादा कॉस्ट दे रहे हैं अब हम क्या करेंगे मतलब कस्टमर से ज़्यादा प्राइस तो नहीं ले सकते बट वी हैव दिस वी एट सिस्टम मतलब अगर उसको सिस्टम को ठीक कर दो तो मतलब काफ़ी मसला हल हो सकता है महंगाई का तो कोई तोड़ नहीं है अगर दुनिया भर में तेल महंगा हो जाता है ब्रेंड के एक डॉलर का हो गया दुनिया भर के अंदर अगर कोयला महंगा हो जाता तो उसका कोई हल नहीं लेकिन उसका सदेबाप तो यही है ना कि आप कॉस्ट पास ऑन करें इसीशेंटली काम करें लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता है एनी anyway, वे एक तो ये बात आपसे करनी थी कि हमारे यहाँ सिस्टम्स बहुत इनफिशेंट हो गए हैं पाकिस्तान में तो आप पावर का पावर का महकमा डेढ़ हज़ार अरब रुपया पंद्रह सौ अरब रुपया नुकसान करता है गैस का महकमा भी कुछ पाँच सात सौ अरब रुपया नुकसान करता है पावर के महकमे में ये हो गया कि पच्चीस सौ अरब रुपये इज़ द लिमिट ऑफ द सर्कुलर डेट अब अगर सर्कुलर डेट बढ़ाएंगे तो सिस्टम बैठ जाएगा तो हुकूमत नाउ हैज़ टू पे कैश सब्सिडीज अब सर्कुलर डेट मजीद इसको इस रबड़ को मजीद स्ट्रेच नहीं कर सकते लेकिन गैस में अभी थोड़ी गुंजाइश है गैस का सर्कुलर डेट पंद्रह सौ अरब रुपए का हो गया है पंद्रह सौ अरब रुपए का अब अब इसमें जेन मसले भी हैं सर्दियों के अंदर आप एल एन जी खरीदते हैं पिछली सर्दी में सत्तर अरब से ज्यादा नुकसान किया पी टी आई की हुकूमत ने एस जी पी एल ने कि आपने एल एन जी खरीदी और आपने डोमेस्टिक सेक्टर में गैस की प्राइस कर पे बेच दिया अब जाहिर है कि आप किसी को जिसको आप दो सौ रुपये की प्राइस दे रहे हैं गैस की और घरों में दो सौ रुपये से शुरू होता है जो सस्ते यू नो और हमारे सत्तर फ़ीसद कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके घर में तो हम दो सौ तीन सौ दो सौ तीन सौ और पाड़े पाँच सौ के ऊपर चार्ज नहीं करते आप पाँच सौ रुपये में मैक्सिमम गैस दे रहे हैं और आप चार हज़ार रुपये की ले रहे हैं तो वारे में तो नहीं आएगी और जो चार हज़ार की चीज़ को अगर आप पाँच सौ में देंगे तो उसी तरह ख़र्च होती है जैसे पाँच सौ रुपये की चीज़ खर्च होती है ठीक है अगर उसको बिल ही पंद्रह सौ रुपये दो हज़ार का आ रहा है और सर्दियों में पाँच छः हज़ार का बिल आ रहा है तो थोड़ी सी बेदर तरीके से गैस तो खर्च करेगा कंज्यूमर तो फिर गैस भी आपकी खर्च हो रही है और आप सत्तर अरब रुपये का नुकसान कर दिया लेकिन अब क्या करें मतलब कंज्यूमर्स को पंजाब में और के पी में के पी में तो खैर गैस है पंजाब में क्या कंज्यूमर्स के घर ठंडे होने रहे मतलब वॉट इज द अदर चॉइस राइट सो गवर्नमेंट इज रियली ट्रैप्ड एंड इट इज नॉट मेकिंग राइट डिसीजन इट हैज टू मेक राइट डिसीजन अब हुआ ये कि लाइक आई सेड कि आई हैव नेवर सीन थिंग्स सो बैड वी आर रियली एट अ फोर्क इन अ रोड मैं आपको सच बता रहा हूँ मैं रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब को कह के आया हूँ आज भी मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि प्राइम मिनिस्टर वी आर ऑन अ फोर्क इन अ रोड क्रॉस रोड्स पर आ गए हम अगर सीधे हाथ चले जाते हैं सीधे हाथ पे तो बहुत पेनफुल फैसले होंगे दो मरतबा हमने तीस तीस रुपये पे पेट्रोल बढ़ाया है मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि वज़ी अदम साहब बिल्कुल खुश नहीं थे और क्योंकि ये समरियाँ मेरी तरफ़ से जाती हैं और सबसे पहले पेट्रोल बढ़ाने की सिफारिश मैं ही करता हूँ तो काबीना के मम्मरान भी मुझसे बड़ा नाराज़ होते हैं कि तुम बार बार ये क्यों बोलते हो लेकिन मैं एक मरतबा तो बड़ा मैं हीटेड आर्ग्यूमेंट भी, भी हो था तो मैंने कहा मैं अपनी जेब में तो पैसे नहीं लेके जा रहा हूँ ना यार मतलब क्या बात कर रहे हैं आप लेकिन अगर आपने ये पेट्रोल नहीं बढ़ाया अभी इस वक्त भी एज वी स्पीक द गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान विच इज़ ऑल ऑफ यू गाइज ऑल ऑफ़ यू गाइज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ लूजिंग फिफ्टी थ्री रुपीज़ पर लीटर ऑन डीज़ल तिरपन रुपया लीटर पे आप डीज़ल पे नुकसान कर रहे हैं और तेईस रुपये आप उन्नीस रुपये आप पेट्रोल पे नुकसान कर रहे हैं चौबीस रुपये केरसिन पर नुकसान कर रहे हैं तेईस बाईस तेईस रुपये शायद आप लाइट डीजल ऑयल पर नुकसान कर रहे हैं अगर आप ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते अगर आप बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाते और आपके साथ फिर आई एम एफ़ भी नहीं करता तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ एंड आई डेवर वॉन्टेड टू यूज़ दिस वर्ड कि देन यू आर लुकिंग एट द द्यूर एट द एज ऑफ द प्रेसिपी देन यू आर लुकिंग एट डिजास्टर देन यू आर लुकिंग एट सीरियसली डिफॉल्ट देन यू आर लुकिंग एट नॉट बिंग एबल टू बा ऑयल फ्रॉम इंटरनेशनल कंपनीज अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो जुलाई के एंड मिडल ऑफ जुलाई तक यहाँ पे पेट्रोल की राशनिंग हो जाएगी मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त श्रीलंका में रहता है मैं अक्सर उससे बात करता रहता हूँ नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट यू नो ही इज़ जस्ट अ फ्रेंड ऑफ़ माइन यूज टू बाई माई कैंडीज़ तो जब श्रीलंका में ये हुआ आ, और एक मरतबा श्रीलंका में जब लोग लोगों लोगों की मौत हो जाती है तो वो बेचारे आँखें डोनेट करते हैं बहुत तो so, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ी अजम थे तो श्रीलंका के कुछ लोगों ने कुछ आँखें डोनेट करी थी तो एक डेलीगेशन लेकर आया था तो वो भी इस डेलीगेशन में आया था सो यू नो वी मैट एंड ऑल दैट सो इज़ अ फ्रेंड तो मुझे मैं उससे पूछता हूँ कि क्या होता है तो मुझे बता रहा था कि कितने कितने घंटों एक साथ लाइट नहीं होती है कि सुबह चार घंटे बजली आती है और शाम को चार घंटे बिजली आती है हफ्ते में एक दिन डीजल मिलता है दो दिन पेट्रोल मिलते हैं दो तीन चार घंटे की लाइन होती है और पेट्रोल की लिमिट होती है कि इतना पेट्रोल देंगे मतलब ज़िंदगी आज़ाब हो गई है और पता है क्यों श्रीलंका से ज़्यादा किसी मुल्क में सब्सिडी नहीं थी किसी श्रीलंकन बंदे ने लिखा भी था कि आप दुनिया भर में कहीं पर भी जाएं आपको बांग्लादेशी नज़र आते हैं पाकिस्तानी नज़र आते हैं हिंदुस्तानी नज़र आते हैं श्रीलंकन नज़र नहीं आते क्योंकि उनके मुल्क में ठीक ठाक सब्सिडी देते थे पढ़े लिखे लोग भी हैं बड़े अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन क्योंकि बेवकूफ़ियाँ करी देर नॉट मेक द राइट डिसीशन आई एम एफ को उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ बाहर में तो ये जाके डिफ़ॉल्ट हो गए अब उनका रुपया भी जो था एक सौ परसेंट से ज़्यादा डिवेल्यू हुआ आज वो पेट्रोल भी महंगा बेच रहे हैं आज वो डीजल भी महंगा बेच रहे हैं आज वो दवाइयाँ नहीं खरीद पा रहे आज उस दौर एंटीबायोटिक्स की शॉर्टेज है तो पाकिस्तान एक बाक़ार मुल्क है न्यूक्लियर एसेट्स हैं हमारे पास इतनी अच्छी हमारी फौज है इतना हमारा बड़ा पॉपुलेशन है वाई आर वी लाइक दिस मतलब हिंदुस्तान के अंदर 600 अरब डॉलर का जखीरा है फॉरेन एक्सचेंज का बांग्लादेश का इस वक्त इस साल का बांग्लादेश का करंट अकाउंट डेफिसिट हमसे ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर चालीस पचास बिलियन डॉलर हैं उनके पास तो कोई इतना मसला नहीं है हम यहाँ पे कोई वजीर आजम बनता है कोई नया सदर बनता है उसको कोई सऊदी अरब जाना पड़ता है चीन जाना पड़ता है अमेरिका जाना पड़ता है इससे ये पैकेज लेके आओ उससे वो पैकेज लेके आओ ये किस तरह की तरीका है आप जानते हैं इस बात को ये आप सब जानते हैं इस बात को कि जब तक आप दोस्तों के पैसे से काम करेंगे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे आगे आप दब बढ़ेंगे जिस दिन आप डिसाइड करेंगे द दल्प विद दिस मनी वी आर गोइंग टू स्टैंड ऑन आर टू फीट एंड पाकिस्तान एंड ऑल ऑफ अस हैव टू डिसाइड दैट आवर नेशन विल स्टैंड ऑन फीट अदरवाइज अदरवाइज सीरियसली हिस्ट्री विल जज अस रियली बैडली आवर चिल्ड्रन विल जज अस वेरी बैडली वी आर बेटर देन दिस वी रियली आर बेटर देन दिस जब हिंदुस्तान सॉरी बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए थे उन्नीस सौ सत्तर में हमने गलतियाँ ज़रूर की होगी मगर उस वक्त पचास परसेंट पर कैपिटल जी डी पी पाकिस्तान की ज़्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान की फिफ्टी परसेंट पर कैपिटल जी डी पी ज़्यादा थी एक जूट के अलावा बांग्लादेश के पास कोई एक्सपोर्ट नहीं था साइक्लॉन उससे वो, 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 वो अफ्लेक्टेड मुल्क था लेकिन दे बाहर द अप बट हमने नहीं किया हम हम वहीं मतलब सीरियसली एक मरतब आई रिमेंबर मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वजी थे तो आई वॉज इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर तो मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था तो मैं मियाँ साहब को कहा कि मियाँ साहब आज से दस पंद्रह साल पहले जो थे वो पाकिस्तानी वजरा जो थे वो मलेशिया से और थाईलैंड से पाकिस्तान को कंपेयर करते थे अब हम बांग्लादेश और श्रीलंका से करते हैं हो सकता है अगला दस साल बाद जो वजीर आएगा वो अफगानिस्तान से करेगा यू नो हम तो एक सेकुलर डिक्लाइन पे ही है सो बजट शजट इज़ इरेवेंट हज़ार मतलब सत्तर बजट आ चुके हैं क्या हो गया है क्या फट लिया है मतलब तो सीरियसली क्या हो गया है बजट में हमने क्या कर लिया है कई मुल्क जा रहा है मतलब सीरियसली आई मीन सो थिंक अबाउट दिस कि इस वक्त ना अब इंटली स्टार्क और रियालिटी में आपको देता हूँ इक्कीस बिलियन डॉलर हमको अगले साल दुनिया के वापस करने हैं इक्कीस बिलियन डॉलर्स रिमेंबर दैट वी हैव राइट नाउ आवर आवर फॉरन एक्सचेंज आर नाइन बिलियन डॉलर्स राइट वी नो दिस नाइन बिलियन नाइन नाइन एंड हाफ होगा हमको इक्कीस बिलियन दुनिया के वापस करने चलो ठीक है इक्कीस हो गए इस साल हम 16 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट करेंगे हम 6 परसेंट की ग्रोथ को हम 5 परसेंट पर ला रहे हैं हम इंटरेस्ट बढ़ाया जो भी है हो सकता है इससे भी कम होगा लेकिन फिर भी 10 से 12 बिलियन डॉल से कम करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा आपको पता है अगर इससे मैं कम करने की कोशिश करूँगा तो इकानमी एकदम क्रैश हो जाएगी लोग यू नो मतलब लोगों को एकदम रोज़गार खत्म हो जाएगा इस और पुअर कंट्री वी कैंट अफोर्ड टू गिव दैम तो हमने उनको भी रखना है सही सो तो आपको दस से बारह बिलियन डॉलर्स वो चाहिए तो इक्कीस और बारह तैंतीस बिलियन डॉल ये हो गए आपके अब नौ बिलियन डॉलर का कोई रिजर्व तो रिजर्व ही नहीं है ना जिसके अंदर छः तो स्वाप करे हुए हैं कुछ डिपॉजिट्स हैं तो मैं सोचता हूँ कि कम अज़ कम तीन महीने का इम्पोर्ट हो और चलो छः बिलियन का इम्पोर्ट समझो हालांकि उसका ज़्यादा है तो अट्ठारह बिलियन होने चाहिए तो नौ बिलियन वो डालने हैं आपको तो चालीस बयालीस बिलियन डॉलर हमको चाहिए अगले साल के अंदर वो कहाँ से लेके आएंगे आज मेरे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले मिलने आए और मुझे कहते हैं कि पर बातें कि मुझे बोला यार ये सब चीज़ें छोड़ो बताओ आई से क्या हो रहा है वी टॉक टू आर आई एम एफ अकॉर्डिंग उसने कहा एंड ऑब्वियसली उनकी बात तो होती है कि आई एम एफ का प्रोग्राम नहीं होगा तो हम तुमको कुछ पैसे नहीं देंगे वर्ल्ड बैंक के साढ़े नौ बिलियन का लोन अप्रूवड है ई ए डी में पड़ा हुआ है एक पैसा नहीं आएगा अगर आई एम एफ का प्रोग्राम अप्रूव नहीं हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक के आठ बिलियन के प्रोजेक्ट्स अलाइव हैं इन ई ए डी पैसे नहीं और डेढ़ बिलियन के आज एक और चीज़ हमने साइन की है लेकिन वो तो खैर साल के आखिर में आएंगे लेकिन पैसे नहीं आएंगे अगर तक हमने आई एम एफ से बात नहीं करी अब मैं आपको बताऊँ जब 2018 के अंदर मैं वज़ीर था और मैं जा रहा था तो जाने से दो महीने पहले मुझे क्रेडिट स्विस वालों के 400 मिलियन डॉलर्स ड्यू थे दो मरतबा रीडोल हो गए थे 400 मिलियन 400 मिलियन तो उन्होंने कहा कि हमको वजीर से मिलना है मैंने कहा उसको बोलो 600 मिलियन डॉलर कर देगा चार से तो मैं ज़रूर मिलूँगा वरना मैं नहीं मिलूँगा उसने कहा नहीं छः नहीं कर रहे हम चार ही करेंगे मैं कह दफ़ा करूँ मैं नहीं मिलूँगा मैं बड़ा डेस्परेट था कि शायद मेरे से मिलने के चक्कर में छः कर दे उसने नहीं किया जिस दिन में हम ज, जिस महीने गए मई के अंदर उसमें मैं सिटी बैंक वाले आए हमारे पास और तो मुझे कहते हैं हमसे दो बिलियन डॉलर्स दो साल के लिए कर्ज पे ले लो आठ परसेंट पे तो मैं कहा अब हम जा रहे हैं नई हुकूमत आएगी उनको डिसाइड करने तो आठ आठ परसेंट पे ले लूँगा इनको लगेगा महंगा इंटरेस्ट लिया है जेल वेल में बंद करेंगे खैर जेल में तो फिर भी बंद हुआ लेकिन मतलब उस वक्त मैंने सोचा अब सुनिए इस वक्त पाकिस्तान का बॉन्ड सत्तर सेंट से कम बिकता है डॉलर का कबाउ सेवेंटी सेंट से कम पाकिस्तान का डॉलर का बॉन्ड है कुछ दिनों पहले फिफ्टी नाइन हो गया था फिर जिस दिन हमने पेट्रोल बढ़ाया तो सिक्सटी फाइव हो गया यानी कि पाकिस्तान की लिखा हुआ नोट क्या हम आपको एक रुपया देंगे गोरा इन्वेस्टर जो है वो सत्तर सेंट में बेच रहा है थिंक अबाउट दिस दिस इज़ आर क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क राइट नाउ द ईल्ड ऑन पाकिस्तानी बॉन्ड इज सेवेंटीन टू ट्वेंटी परसेंट डिपेंडिंग ऑन द tenor that you know you're buying it for which i think is a wonderful investment if you guys have money abroad buy it we will not default but the world perceives us as a serious default risk and why because of the stupidities we've done up the petrol sasta that's like writing a check when you have no money बड़ा अच्छा आदमी है यार बीस हज़ार रुपये दे दिया यार बड़ा अच्छा आदमी है बीस हज़ार रुपए दे दूसरे दिन बैंक में गए तो बैंक वाले ने चेक कैश नहीं किया तो अब आप ये नहीं सोच रहे कि यार जिसने चेक दिया है वो बहुत बुरा आदमी है बोलते यार ये मैनेजर बहुत कमी है हमको पैसे वा नहीं दे रहा है यार सो तो, अब हमें बुराई आ रही है ठीक है अल्लाह बड़ा है बट मैं ईमान से मैं इस इस नैच पर हम पहुँच गए आई एम सॉरी टू यू नो टॉक लाइक दिस बट हम इस नैच पर पहुँच गए जहाँ मैं कहता हूँ दफ़ा हो जाए सियासत बाहर में जाए सियासत If, if there is a choice between Muslim League and Pakistan, we should choose Mus Pakistan. If there is a choice between Peoples Party and Pakistan, we should choose Pakistan. If there is a choice between PTI and Pakistan, we should choose Pakistan. And dare I say, too, in, front of, in presence of uh, Ashfaq Tola, if there is a choice between ICAP and Pakistan, we should choose Pakistan. Mm -hmm. okay. mm -hmm. See, sorry. Uh, Pakistan not then what will we do? commitment हम फेयरली फेयरलीवेटेड इन पाकिस्तान मेरी फैक्ट्रियाँ शैक्ट्रियाँ भी हैं मेरी हर जगह पा काफ़ी शहरों में पाकिस्तान के लेकिन द रियल इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव इन पाकिस्तान इज़ द फैक्ट कि मेरा कब्रस्तान है यहाँ पे फैमिली का तो हमें तो ये भी पता है कि हम दफन के दर होंगे तो हम तो कहीं नहीं जा रहे तो इस मुल्क को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे और आप लोग सब भी यहीं होंगे किसी ने ऑलरेडी किसी को पता होगी कब्रस्तान किसी के किसी को अल्लाह करे ये मॉरब बात नहीं पता हो लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमने यहीं रहना है ना कहीं और तो नहीं जाना है इसी मुल्क को संवारना है तो अब मुश्किल फ़ैसले करने होंगे सीरियसली और किसी और को ब्लेम नहीं करना होगा कि यार आई एम एफ ने ये करवाया इसने ये करवाया उसने करवाया और हम हम ये जानते हैं मैं ये मैं ये कहता हूँ कि कसूर मुस्लिम लीग का नहीं है कसूर शहबाज शरीफ का नहीं है कसूर मुफ्ता इस्माइल का नहीं है लेकिन ज़िम्मेदारी तो हमारी है ना, राइट सो so, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा आई एम so सो सॉरी इसीलिए हमने बहुत सारे नए टैक्स लगवाए तीस करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाने वाले इंसान आदमी हों या कम, लोग हों या कंपनी हों उसके ऊपर हमने दो परसेंट का सुपर टैक्स लगाया हमने अस्यूम करा कि अगर आपका एक घर है और उसके अलावा आपके वैकेंट प्लॉट है वैकेंट प्लॉट है तो हमने असूम करा कि उस पर और, और सुप्रीम कोर्ट ने हमको अलाउ करा हुआ है किसी केस में राइट सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता ना कि अस्यूम कर सकते हैं डीम्ड इनकम रेंट कर सकते हैं तो अस्यूम करा कि उस पर आपको 20 परसेंट रेंट मिल रहा है क्योंकि उस पर पाँच परसेंट रेंट मिल रहा है क्योंकि पाँच परसेंट मिल रेंट मिलता है और बीस परसेंट टैक्स लगता है तो वन परसेंट ऑफ़ द वैल्यू ऑफ़ द हाउस हम आपसे वैल्यू ऑफ़ द वेकेंट लॉट हम आपसे पैसे लेंगे उससे अल्लाह करेगा तो थोड़ी सी प्लाटों की कीमतें भी कम होंगी और मैं तो एक और टैक्स था जो आखिर दिन पी साहब ने मना कर दिया कि ये गिफ्ट ट्रांसफर होता है ना कि मेरे भाई को मैंने प्लॉट दे दिया मैंने दिया उस पर भी टैक्स होना चाहिए और ख़ास तौर पर टैक्स होना चाहिए इंटर जनरेशनल ट्रांसफ़र्स पर मैं आपको एक बात भी बता दूँ इंटर जनरेशनल ट्रांसफ़र्स पर <coughs> क्यों होना चाहिए अभी का मुझे नहीं पता कुछ दिन तो अर्स पहले किसी ने एनालिसिस किया था बट इट इज़ नॉर्मली ट्रू एक स्कूल है लाहौर में एच एस एम कॉलेज आधी से ज़्यादा काबीना आपकी उस स्कूल से आती है मोर देन फिफ्टी परसेंट कैबिनेट कम फ्रॉम दैट वन स्कूल एच एस कॉलेज इन लाहौर आधे से ज़्यादा अमीर आदमी आपके एक स्कूल से आते हैं कराची से कराची ग्रामीण स्कूल अस्सी परसेंट अमीर लोगों के बच्चे जो हैं कराची में उन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और अस्सी परसेंट वज्राओं के बच्चे जो हैं अगर लाहौर में रहते हैं तो वो एक ही स्कूल में जाते हैं तो मैं कहीं पे टॉक कर रहा था तो मैंने कहा दिस शुड नॉट बी कॉल्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इट शुड बी कॉल्ड द वन पर्सन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इट्स ओनली फॉर द वन पर्सन प्रिवलेज पीपल दैट पाकिस्तान एग्जिस्ट बाकी लोगों को तो हमने ज़बरदस्ती रखा हुआ है सो so, अब हमने ये टैक्स लगाए हैं हमने बैंकों के भी टैक्स बढ़ा दिए जिसका ए डी आर रेशम है उसका भी टैक्स बढ़ा दिया है और वैसे भी बैंकों के टैक्स बढ़ा दिए हमने ट्रांजेक्शनस के ऊपर इनकम टैक्स बढ़ा दिया है प्लाटों की ट्रांजेक्शन के ऊपर तो हम कुछ कुछ करके कोशिश कर रहे हैं अभी जो हमारी एक डिस्प्यूट चल रहा है आईएमएफ से मुझे डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए मुझे एक जो डिसएग्रीमेंट अभी चल रहा है जिस पर एग्री नहीं हुआ वो पर्सनल इनकम टैक्स है उस ज़माने में 2019 के अंदर पीटीआई ऐसी चीज़ें मान के आ गई थी कि एक लाख चार हज़ार रुपये के ऊपर अगर आपकी इनकम हो एक लाख चार हज़ार रुपये के ऊपर आपकी इनकम हो तो आपका मार्जिनल टैक्स अट्ठाईस परसेंट हो जाएगा ट्वेंटी एट परसेंट इज़ योर मार्जिनल टैक्स वेन योर इनकम इज़ मोर देन हंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ और चेयरमैन साहब बता रहे थे कि एक लाख से दस लाख का एक ही ब्रैकेट है उसके बाद पता नहीं तीस परसेंट और फिर पैंतीस परसेंट टैक्स हो जाएगा और वो मिडिल के लोग जो इतने उम्र रहे थे पचास हज़ार रुपये से ज़्यादा के ऊपर के ऊपर के ऊपर लोग से आप टैक्स ले रहे थे बीच ढाई सौ डॉलर तो मैं उसको बोल रहा था आए वाले को कि यार ढाई डॉलर पर कोई टैक्स दे सकता है हमने पहली मरतबा और मुस्लिम लीग लोगों को बोलते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो शॉप कीपर सपोर्ट करते हैं हमने पहली मरतबा फिक्स टैक्स लगाया इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दुकानदारों के ऊपर 35 लाख 25 लाख दुकानें पाकिस्तान में सबसे टैक्स लेंगे और चेयरमैन साहब ने कहा है कि चौवन अरब रुपया जमा करके देंगे इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रिंग ऑल ऑफ दोज पीपल इन द टैक्स नेट इनशाला और करके दिखाएंगे इन ये तो आई के भी एक्सपर्ट हैं तो ये कुछ कर लेंगे तो हम मुझसे तो जूम भी नहीं चलता है लेकिन इन बार मतलब सो 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 सोचेंगे वी आर एंड एंड वी आर ट्राइंग टू गिव एज मच ब्रेक्स टू द पुअर पीपल हमने बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दो सौ साठ से बढ़ाकर तीन सौ साठ अरब रुपये का सौ अरब रुपया रखा है उसमें आठ मिलियन बेनिफिशरीज़ इस साल हैं अगले साल बिस्क के बेनिफिशरीज़ नौ साल हो जाएंगे और एक जो नई स्कीम निकाली है सस्ता डीज़ल सस्ता पेट्रोल उसके अंदर छः छः साठ लाख बेनिफिशरीज होंगे साठ लाख खानदान यानी कि टोटल खानदान जो हम सपोर्ट कर रहे हैं उसमें आठ करोड़ चालीस लाख अफराद रहते हैं और सिर्फ दो हज़ार रुपये देते हैं तो आज मैं किसी से बात कर रहा था आई थिंक हमिद मीर साहब से बात कर रहा था बोलगा तो सिर्फ दो हज़ार रुपये तो हैं और आप लोगों को पता भी नहीं होगा सेवन एट सिक्स नंबर है जिस पर एक मैसेज भेजना होता है चालीस लाख लोगों ने ऑलरेडी मैसेज भेज दिया भाई दस दिन के अंदर चालीस लाख लोगों ने मैसेज भेज दिया है दो हज़ार रुपये के लिए ये गुर्बत भी है पाकिस्तान में सो But we are trying to relieve the poor as much as we can. We are trying to tax you know, the rich as much as we can without you know, cutting down on entrepreneurship. We've given some breaks wherever we can. and <laughs> I come from an industrial family. And I come from a industrial family that makes products for Pakistanis, for domestic markets. Okay, whether it's candy and biscuits and whatnot. So we आर we are आर we are two टू थिंग्स एग्रीकल्चर हमने एग्रीकल्चर सीड्स के ऊपर से टैक्स हटा दिया ट्रैक्टर का टैक्स जीरो कर दिया सारे इंप्लीमेंट्स के ऊपर टैक्स जीरो कर दिया हमने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स कर दिया इसकी वजह ये है कि वी वांट टू हैव एग्रीकल्चर ग्रो बट एक और वजह भी है इसकी कॉटन सीड के ऊपर टैक्स लगाने की वजह से एक एक दो दो मिलियन कॉटन की बेल्स जो है वो टैक्स नहीं देती है दैट्स वन थिंग बट अन दिंग हैपन्स

क्योंकि हम और वह हम अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री बोलते हैं हम आठ बिलियन डॉलर्स की चीज़ें एग्रीकल्चर में इंपोर्ट करते हैं सो so एग्रीकल्चर का हम एम्फिस कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ हम एम्फसाइज़ कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लोकल कंपनियाँ होती हैं जो लोकल बेचती हैं तो टैक्स एग्जाम्शन ले लेती हैं आप सोचें कि पाकिस्तान तो एक गरीब मार्केट है छोटी मार्केट है वाई वुड पीपल वॉन्ट टू तो सेल टू पाकिस्तान बिकॉज यहाँ पर प्रॉफिट बहुत है और यहाँ पर प्रॉफिट बहुत है जो पाकिस्तान में बनाते हैं और बैरियर्स खड़े कर दिए हैं हर चीज़ के ऊपर इतनी ड्यूटियाँ लगा दी हैं कि वो लोग बैरियर्स लग गए हैं लोग यहीं पर बनाते रहते हैं सो वी हैव टू गेट आवर बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स टू नॉट लुक इनवर्ड्स बट लुक आउटवर्ड्स उसके भी इंसेंटिव्स आएंगे इन शाला आप देखिएगा अभी कुछ दिनों के अंदर हम एक्सपोर्ट पॉलिसी एक्सपोर्ट वाउचर स्कीम या एक्सपोर्ट स्कीम भी कोई अनाउंस करेंगे लेकिन हम कुछ ना कुछ करेंगे कि हम एक्सपोर्ट्स पे जाएं जब भी आखिरी बात करूंगा फिर उसके बाद मैं खत्म करूंगा आई एम सो सॉरी टू करूँगा बोर्ड जो सो लॉन्ग कि जब भी हमने पाकिस्तान में ग्रोथ की है किस तरह ग्रोथ की है बाय मेकिंग मैन्युफैक्चरर्स रिच विच इज़ फाइन आई एम वन ऑफ देम आई नो ऑफ वन पर्सन इन पाकिस्तान हु सिंगल हु ये आपने पाँच छः सौ अरब रुपया दिया है ना टर्फ का लोन वन परसेंट पे एक परसेंट पे आपने लोन दिया है ठीक है पाँच सौ अरब रुपये से ज़्यादा दिया है एक आदमी को मैं जानता हूँ जिसने नब्बे अरब रुपया लोन लिया है नाइन्टी बिलियन रुपीज जस्ट वन पर्सन ठीक है वन परसेंट का लोन फॉर द नेक्स्ट टेन ईयर्स जब मुल्क के अंदर इस वक्त यू you नो know, हुकूमत पाकिस्तान सोलह परसेंट पर बौर कर रही है हम एक परसेंट में लोगों को लोन दे चुके हैं अगले दस साल तक लुक एट द सब्सिडी वी आर गिविंग टू द वेरी रिच तो हमारा मेथड क्या होता है और ये सिंसियर होता है मेथड इज़ टू मेक द रिच पीपल रिचर एज सुन द रिच पीपल बिकम रिच दैन वी थिंक यार ये फैक्ट्रियाँ लगाएँगे और चलेगी इकानोमी चलेगी और सबको नौकरियाँ मिलेगी होता यह है कि जब वो फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू करते हैं मशीनरी इंपोर्ट करते हैं और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं ऑल दैट देट पाकिस्तान में ही बेच रहे होते हैं एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे होते तो वी रन इंटू अ करंट अकाउंट डेफिसिट प्रॉब्लम जैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम होता है तो मीशत स्लो करते हैं सबसे पहले कौन निकलता है वो गरीब मजदूर जिसको उसने आखिर में हायर किया होता है सो हमारा मॉडल ये कि हम किसी सेट के पास जाते हैं बोलते हैं ये 200 करोड़ रुपए लो भाई एक फैक्ट्री लगा के किसी को बीस हज़ार रुपये की नौकरी दे दो वो फैक्ट्री लगा था जब नौकरी देने का वक्त आता तो हम बोलते हैं अच्छा स्लो हो जाओ यार स्लो हो जाओ ये तो बहुत ज़्यादा तो उसने नौकरियाँ देती इकानमी ओवर हीट हो गई है वी हैव टू री थिंक दैट मॉडल एंड सीरियसली नाउ दिस इज द टाइम देर नेशन वी आर सेवेंटी फाइव ईयर ओल्ड वी हैव टू ग्रो अप और मैं अब जाने से पहले आपसे एक बात कर देता हूँ बिकॉज आई रिम्बर इट सेवेंटी फाइव ईयर्स कि मैं अक्सर ये और ये आखिरी बात है मैं मेरी मैं वादा कर रहा हूँ ये आखिरी बात है कि अक्सर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोन इमरान ख़ान की हुकूमत ने लिया डेट तो मैं उस दिन बजट की स्पीच में भी मैंने कहा मैं अभी आपके सामने दोहरा देता हूँ कि लियाकत अली खान से लेकर ना खाजर नाजिमुद्दीन से लेकर आया आई चंद्रीगढ़ को मिला लें मोहम्मद अली बोगरा को मिला लें हुसैन शहीद सरोवर्दी को मिला लें स्कर मिर्ज़ा को मिला लें अयूब खान को मिला लें याया खान को मिला लें शहीद शफिकार अली भुट्टो को मिला लें जनरल ज़िया को मिला लें मोहम्मद खान जुनेजो को मिला लें उसके बाद बेनिर भुट्टो साहिबा को मिला लें नवाज़ शरीफ साहब को मिला लें फिर बे नज़िर साहिबा को मिला लें दरमियान में फ़ारूक लगारी को मिला लें फिर नवाज़ शरीफ को मिला लें परवेज़ मुशर्रफ़ को मिला लें जफ़रल्ला जमाली को मिला लें चौधरी शुजात को मिला लें फिर शौकत अजीज़ को मिला लें मोहम्मद खान सॉरी मियाँ मोहम्मद सूमरों को कुछ अर्से के लिए मिला लें फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को मिला लें राजा परवेज़ को मिला लें नवाज़ शरीफ को फिर मिला लें शाहिद अब्बासी को मिला लें और नासिरुल मुल्क को मिला लें इस सब बुजरा आजम ने और सजूर ने जितना लोन लिया उसका अस्सी परसेंट लोन इमरान खान ने लिया है पौने चार साल में और फिर उस दिन कल शौकत भाई कहते हैं नी मिफता गलत कह रहा है अस्सी नहीं लिया हमने छिहत्तर लिया है तो एक्चुअली छिहत्तर भी नहीं लिया मैं आपको सच बता दूं द टोटल डेट इंक्रीज ड्यूरिंग इमरान खान वो सेवन एट परसेंट बट हाउ इमरान खान यूज टू मेजर लोन टाइम द टोटल डेट प्लस लाइबिलिटी इंक्रीज वो सेवेंटी परसेंट सो नॉट सेवेंटी सिक्स नॉट एटी आई विल कंसीड बट सेवेंटी नाइन बट एक परसेंट का तो पॉलिटिक लाइसेंस आप देंगे ना मुझे कि बजट की में मैं अस्सी बोलूंगा उनासी तो नहीं बोलूंगा सोफ so ये मुल्क जो है वो सीरियसली मकरूज हो गया है और दिस इज द टाइम वी आर एट अ फोर्क इन अ रोड सपोर्ट अस टू मेक टफ चॉइसिस इफ वी नाउ इंक्रीज द प्राइस ऑफ यूटिलिटीज प्राइस ऑफ फ्यूल Understand that we are doing it because exobisca dollar ogay, exotica sorry, exobisca exotiska oil ogay or am nahikaringasara system. So help us, help us put Pakistan back on track. And please take my word seriously. I'm the finance minister of Pakistan, I know a few things that I'm talking about this country's economy is in a very precarious position. But the vasile we have, the resources we have, mashallah, mashallah, are so large, so large. कि अगर हम थोड़ा सा यू you नो know, थोड़ा सा उसको सही कर लें तो ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है थैंक यू वेरी मच